हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूं। और आज हम आपके लिए रीडिंग लेकर आए कि आपके पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, जो आपको कभी बताते नहीं हैं। चलिए उनके दिल के अंदर जो है झांककर देखते हैं कि उनके दिल में आपके लिए क्या क्या चल रहा है। ठीक है, तो हमारे पास दो पाइल हैं। फर्स्ट पाइल है ACEGIKMOQSUWY और सेकेंड पाइल है BDFHJLNPRTVXZ। आपके पर्सन के जिसमें भी जो है इनिशियल आती है वो पाइल आपके लिए है। आप पाइल चुन लीजिए। आई होप गाइज आपने पाइल चुन ली होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देख लेते हैं फर्स्ट पाइल वालों के लिए उनके पर्सन जो है उनके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं, सीक्रेट फीलिंग्स। आई होप गाइस आपको कार्ड दिख रहे होंगे, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं कि उनकी तरफ कोई नया प्यार आ रहा है, इसी वजह से वो मुझे जो है ठुकरा रहे हैं और मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पर्सन के माइंड में यही चल रहा है। और ये जो आपके पर्सन हैं वो कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं, यानी कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि या तो फैमिली के साथ डील कर रहे होंगे या अदर पर्सन के साथ डील कर रहे होंगे, कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि वो अगर आपको छोड़कर गए हैं, नो कम्युनिकेशन में आप लोग हैं या नो कांटेक्ट में हैं, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो ऐसा सोच रहे हैं कि आप प्लीज़ मुझे मत जाने दीजिए, आप मुझे रोक लीजिए, ऐसा उनके दिल के अंदर से आवाज़ निकलती है। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि वो वहाँ पर फंस करके परेशान हो रहे हैं। ज़्यादातर तो मुझे वाइब्स आ रही है कि फैमिली की वो वहाँ पर बहुत ही परेशान हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है उनका। और वो हो सकता है कि आपकी तरफ कम्युनिकेशन करें, या फिर वो कम्युनिकेशन करते भी होंगे तो आप जो है उसको स्वीकार नहीं करते होंगे और चीजों को वो सेटल डाउन करने की कोशिश करते होंगे, चीजों को ठीक करने की कोशिश करते होंगे, तो वो आप जो है उनके लिए रेडी नहीं होते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आप लोग जो है स्पिरिचुअल जर्नी पर भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे, हो सकता है कि आपका जो है 7 नंबर हो, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ में आपका 7 नंबर आता हो। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, तो ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि वो आपको जो है स्पाई करते हैं, आप कहीं भी जाते आते हैं, क्या करते हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो सब कुछ वो स्पाई करते हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर फैमिली इशू हैं, तो मैं क्या करूँ, मैं कैसे ठीक करूँ, इनको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर फैमिली इशू हैं आपके, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि इस फाइल में किसी के पार्टनर का अदर पर्सन के साथ कोई कांटेक्ट हो, यहाँ पर फैमिली इशू मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि फैमिली इशू की वजह से आप लोग जो है सेपरेशन में हैं, या आप लोगों में आए दिन कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा होता है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आपके पर्सन जो है आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और आप जो है उनसे ठीक से बात ही नहीं करते हैं, वो अगर कम्युनिकेट करते भी होंगे या करना चाहते होंगे तो आप ठीक से उन चीज़ों को लेते नहीं है, सीरियसली लेते नहीं है। यहाँ पर आप बहाना बना देते कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कहीं भी रहें, चाहे आप फैमिली में रहें, चाहे आप हमारे पास रहें, चाहे कैसे भी रहें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब हमने आदत डाल ली है, इस तरह की एनर्जी आपकी रहती है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ गाइस कि वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं चीज़ों को ठीक करूँ, वो कोशिश करते होंगे कि मुझे चीज़ों को ठीक करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक पर्सन जो है वो रेडी नहीं है इन चीज़ों को ठीक करने के लिए। ये एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि एक पर्सन जो है वो चीज़ों को ठीक करना चाहता है क्योंकि फैमिली इशू है, और दूसरा पर्सन जो है उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, और इसी वजह से आपके पर्सन जो है बहुत ही परेशान हो रहे हैं। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि क्या पर्सन है जो चीज़ों को ठीक भी नहीं करने देता है या नहीं करता है, और या फिर इसी वजह से वो नहीं करता होगा कि उसके साइड में जो है कोई नया प्यार आ रहा है, इसीलिए वो मेरे अंदर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए टैरो से भी देख लेते हैं और आपके लिए क्या सोचते हैं। ठीक है, फाइव ऑफ
फाइव ऑफ कप्स, अब उनको पश्चाताप हो रहा है अपनी करने का, हो सकता है वो आपको छोड़कर खुद ही गए हों और वो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, वो आपको जो है रिकंसिलेशन आपसे करना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। अभी वो एक पैशनेट बिगनिंग आपके साथ में करना चाहते हैं, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि चैरियट पर सवार होकर वो आपकी तरफ आना चाहते हैं और वो अपनी एनर्जी को बैलेंस कर चुके हैं। यहाँ पर ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो अभी एक्शन लेना चाहते हैं, एक्शन के मूड में हैं। लेकिन आप मेरे व्यूअर्स, हो सकता है कि आप जो है चीज़ों को ठीक करना पसंद ही नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर फैमिली इशू हैं, तो हो सकता है कि वो फैमिली को और आपको साथ में रखना चाहते हों, या बार बार वो आते हों और वो बार बार लड़ाई झगड़ा करके चले जाते हों फैमिली में। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मेरे व्यूअर्स के लिए एक समस्या बन गया है और फिर वो उल्टा आप ही को ब्लेम कर रहे हैं, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर फैमिली इन्वॉल्व है और आप लोगों के बीच में झगड़ा करवाने के लिए जो है फैमिली ही जो ये सब कुछ कर रही है, और इसी वजह से आप चीज़ों को ठीक करना पसंद नहीं करते हैं और फिर यही कहते हैं कि आई डोंट केयर, ठीक है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कहीं भी जाएं, हमें आदत पड़ गई है अकेले रहने की, ऐसा आप कहते होंगे। तो ठीक भी है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि जो इंसान अपने साथ 100 जो है प्रॉब्लम लेकर आए, देखिए गाइस कोई भी उसको लाइक नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि वो अपनी फैमिली को साथ में लपेट करके लाते हैं और आप लोगों के बीच में फैमिली जो है आए दिन कोई ना कोई जो है इशू क्रिएट करती है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो कोई ना कोई ऑब्स्टेकल क्रिएट करती है फैमिली, और इसी की वजह से आप लोगों के बीच में दूरियाँ बढ़ती हैं। तो आप नहीं चाहते कि अभी मेरी लाइफ में शांति चल रही है वो शांति भंग हो, ठीक है, इसी वजह से जो है आप उनको अपनी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रही हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये थी गाइज फर्स्ट फाइल की रीडिंग, आई होप गाइज रीडिंग आपको रेजोनेट हुई, रेजोनेट तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक्स फॉर वाचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चुना है उसकी हम रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि आपके पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। पाइल नंबर 2, देखिए मुझे यहाँ पर दोनों की एनर्जी पिक हो रही है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को हो सकता है चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, इनर चाइल्ड हीलिंग की जरूरत है उनको, पहले हो सकता है किसी ने धोखा दिया हो, चीटिंग की हो, या उनकी फैमिली में किसी ने ऐसे किया हो बिहेव, इसी वजह से वो आपके साथ भी ऐसा ही कर रहे हैं, आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि वो ऐसा सोचती है कि आपका कोई सीक्रेट लवर है और जिसके साथ आप मिलते जुलते हैं, आपके ऊपर फेथ नहीं किया जा सकता है, आप फेथ करने लायक नहीं हैं, ऐसा भी सोचती हैं। उनके पास जो है बहुत सारे ऑप्शन हैं, ये सोचती है कि मतलब मेरे व्यूअर्स के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, ऐसा वो सोचती हैं। यहाँ पर वो ये भी देखते हैं कि आप सिर्फ पैसा बनाने पर ध्यान देते हैं, आपको पैसे के अलावा कुछ दिखता नहीं है, या जैसे वो पैसे बनाने पर ज़्यादा फोकस्ड है, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों में लीगल इशू चल रहे होंगे, ऐसे भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा होगा आप दोनों के बीच में, और आप लोगों में सेपरेशन तक की नौबत आ गई है, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और वो ये भी चाहती है कि आप दोनों के बीच में जो है चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि एक पर्सन जो है चीज़ों को ठीक करना चाहता है। आप मेरे व्यूअर्स चाहते होंगे या आपके पर्सन चाहते होंगे कि चीज़ें ठीक हो जाए, बेटर हो जाएं और फिर से वर्कआउट करें। यहाँ पर एक पर्सन चाहता है कि मुझे डाइवोर्स चाहिए, ठीक है, एक पर्सन डिवोर्स चाहता है, दूसरा पर्सन ठीक करना चाहता है चीज़ों को, ठीक है, एक पर्सन चाहता है कि मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें हों और दूसरा पर्सन जो है वो सबके साथ मिलजुल कर चलना चाहता है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी उनको या मेरे व्यूअर्स को जो है खतरा दिखने लगे है कि खतरा है इस रिलेशनशिप में, यानी कि ये रिलेशनशिप जो है वर्कआउट नहीं करेगा तो टूटने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि डिवोर्स की नौबत आ गई है, कोई लीगल इशू चल रहा है। यहाँ पर वो आपको ही चाहती हैं, आपके पर्सन जो है आपको ही चाहती हैं, चाहे वो आपको बताते नहीं है लेकिन मन ही मन वो आप ही को चाहते हैं, और लेकिन आपसे जेलसी
जेलसी भी रखते हैं। आपसे जेलसी इसलिए रखते हैं कि आपका कोई सीक्रेट लवर हो सकता है, ऐसा वो सोच रहे हैं, और इसी वजह से शायद आप डिवोर्स मांग रहे हो, आप मेरे व्यूअर्स, या आपके पार्टनर भी मांग रहे होंगे, तो आपके पार्टनर का कोई सीक्रेट लवर हो सकता है, और आप लोगों के बीच में स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस भी हैं। कुछ लोग जो है ट्विन फ्लेम जर्नी पर भी हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और अदर ऑप्शन की वजह से जो है आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम आई है, चाहे आपके पार्टनर के पास में ऑप्शन हो, चाहे आप मेरे व्यूअर्स के पास में ऑप्शन हो, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम जो है मुझे फैमिली इशू कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि 1-2% फैमिली इशू है, बाकी के जो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अदर पर्सन की वजह से आप लोगों की लाइफ में ये जो है ब्रेकअप हुआ है, या मतलब डिवोर्स की नौबत आई है, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि अदर पर्सन की वजह से जो है आप लोगों की लाइफ ठीक नहीं चल रही है। ठीक है, चलिए अभी हम टैरो से भी देख लेते हैं आपके पर्सन का और क्या मैसेज है आपके लिए। लेकिन अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको या आपके पार्टनर को इनर चाइल्ड हीलिंग की भी जरूरत है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है आपको ऐसा देखते हैं कि आप अपनी ब्यूटी पर ध्यान देते हैं, आपके पास काफ़ी फाइनेंस है, और आप जो है अपनी बिना किसी रोक टोक की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, कंट्रोल नहीं चाहते, अपने ऊपर फ्री रहना चाहते हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप लोगों में, मैंने बताया कि यहाँ पर अदर ऑप्शन है, कोई ऐसा पर्सन है, कोई बॉस हो सकता है या कोई अदर पर्सन हो सकता है जिसके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और उसी की वजह से आप लोगों की लाइफ में जो है ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन जो है आपसे एक नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं, वो आप ही को चाहते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अभी आप लोग स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं और वो खुश रहना चाहते हैं आपके साथ में, खुशी खुशी जीवन यापन करना चाहते हैं। 10 of Cups आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाने की सोच रहे हैं। ठीक है, वो शायद आपको बताते नहीं है, ये सारी बातें उनके माइंड में चल रही हैं, और वो एक पैशनेट बिगिनिंग आपके साथ में करना चाहते हैं जिसमें पैशन ही पैशन हो। ठीक है, मतलब एनर्जी के साथ में फुल ऑफ एनर्जी से जो है लबालब रहे हैं ये, और वो वाली जो है शुरुआत आपसे करना चाहते हैं, लेकिन आप क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में हैं कि मुझे अब नहीं चाहिए ये पार्टनर, मुझे डिवोर्स चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ डिवोर्स चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप हो सकता है कि मेरे व्यूअर्स रट्टा लगा कर बैठे हों कि मुझे तो डिवोर्स चाहिए, या हो सकता है कि आपके पार्टनर इस बात को मान रहे हों कि मुझे तो डिवोर्स चाहिए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है। 6 of Pentacles, एक पर्सन चाहता है कि इक्वल गिव एंड टेक हो इसमें, और आपको सपोर्ट करना चाहता है एक पर्सन दूसरे पर्सन को, लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि दूसरा पर्सन जो है अपनी जिद पर अड़ा हुआ है कि मुझे डिवोर्स चाहिए। यहाँ पर वो आपको एक गिफ्ट भी देना चाहते हैं, वो आपको साथ में आगे जो है कमिटमेंट दे करके चलना चाहते हैं, इसमें ग्रोथ करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, लेकिन एक पर्सन जो है वो मान ही नहीं रहा है। ठीक है, चाहे आप मेरे रिवर्स हो सकते हैं, चाहे आपके पार्टनर हो सकते हैं, और एक पर्सन मान ही नहीं रहा है, और आपके पर्सन जो हैं या आप मेरे व्यूअर्स जो है इन चीज़ों को ठीक करके और जो है सभी कुछ ठीक करना चाहते हैं और कमिटमेंट देना चाहते हैं, आगे हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं। 10 of Cups का कार्ड है, एक हैप्पी मैरिड लाइफ जीना चाहते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।